नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। तो अगर आपकी मेष राशि है तो ध्यान से सुनिएगा, इस समय आपके पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति बन गई है। धनेश और चतुर्थेश की युति आपके पंचम भाव में है, इसका मतलब आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमानी और आपकी कुशलता आपको धन लाभ कराएगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि दशम भाव का स्वामी लग्नेश मंगल से पंचम नवम है, इसलिए जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो जल्दबाजी में या दूसरे के प्रेशर में आकर के डिसीजन मत लीजिएगा, खुद अपने विवेक से सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत करेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम आपको व्यायाम करना चाहिए, अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीय बातों को नहीं बताना चाहिए। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे बढ़ते हुए जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, कैसा रहेगा सेहत और आज क्या खास उपाय उनको करने चाहिए। देखिए, आपके यात्रा भाव का स्वामी शनि है और वो चंद्रमा पर पूरी दृष्टि दे रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आज आप भूल करके भी यात्रा मत करिए। अगर यात्रा करेंगे तो धन हानि होगी, ये पक्का है। जरा सी भी आपकी लापरवाही आपके कीमती सामान को ख़त्म कर सकती है। ऑफिस में अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए, अपना काम दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल मत छोड़िए। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है, ये अच्छी बात है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखिएगा। पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतिएगा। गेहूं का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध है, जो इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र जो तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, इसके आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि आज आप बेवजह, आज आपको खर्च करने की मतलब बेचैनी होगी और व्यर्थ का खर्च करेंगे और खर्च करने के बाद पछताएंगे, क्योंकि ये खर्च आपके लिए मुसीबत बनेगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बस अनुभवी लोगों से विवाद ना करें, वो जो कहें उनकी बात मानें और भगवान गणेश पर दुर्वांकुर अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन और क्या कुछ उनको खास उपाय करने चाहिए, ये सब जानते हैं आगे। देखिए, यदि आपकी भी कर्क राशि है तो आप समझ लीजिए कि आपका राशि स्वामी इस समय धन भाव में शुक्र के साथ विराजमान है और इस समय अगर देखा जाए तो आपके राशि से केंद्र में मंगल, केतु, बृहस्पति, राहु की स्थिति है। तो एक बात तो समझ में आती है कि बुधादित्य योग आपके रुके हुए पैसे को दिलवा सकता है। रुका हुआ कोई पैसा आपका है तो वो आपको मिल सकता है और ऑफिस में दिन भी आज आपका अच्छा ही व्यतीत होगा। लेकिन अगर आप रिश्तों को संभालेंगे नहीं
तो जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए, योग करना चाहिए, किसी नई योजना में निवेश नहीं करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे सिंह राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह राशि में चंद्र शुक्र की युति बनी हुई है। सिंह राशि का स्वामी इस समय कन्या राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कोई न कोई आमदनी का नया जरिया आप ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। और ऑफिस में काम में आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना काम आपको खुद निपटाना है। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। नकारात्मक ऊर्जा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। और बड़े बुजुर्गों का तो भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, आज उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उनके सेहत के बारे में भी जानते हैं। देखिए कन्या राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध की युति इस समय कन्या राशि में है। व्यय भाव में चंद्र शुक्र की स्थिति है, धन भाव में मंगल केतु की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर कहीं पहले से आपने पैसा लगाया हुआ है, वो चाहे प्रॉपर्टी में और चाहे शेयर में, उससे आज आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, आज आपको तेज रफ्तार से गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल, कैसा आज उनका दिन रहने वाला है। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय मंगल और केतु की स्थिति बनी हुई है और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय शनि के पूरे प्रभाव में है। अगर न्यायालय में धन से जुड़ा कोई मामला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे, आपका धैर्य रिश्तों को टूटने से बचाएगा। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है। व्यर्थ का विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन रहने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी भले ही व्यय भाव में है, लेकिन चंद्र शुक्र की जो दशमस्थ स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास अच्छा रहेगा तो धन लाभ भी होगा। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उससे घबराइए मत। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा घूमना टहलना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी पर बेवजह ना चिल्लाएं। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेंगे धनु राशि की, क्या कहता है आज धनु राशि का राशिफल। देखिए धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका स्वामी बृहस्पति भले ही मेष राशि में है, लेकिन सूर्य बुध की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर कारोबार में कोई बड़ा निवेश आप कर रहे हैं तो उसका रिटर्न, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ऑफिस में आपको पेंडिंग काम निपटाने होंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है अगर आपकी आयु 56 वर्ष से ज़्यादा है तो। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। चांदी का सिक्का या चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखना हर समय शुभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान लेंगे मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन और क्या कुछ उनको खास उपाय करने चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव में हैं। अगर जरा सा भी आपने लापरवाही की तो धनहानि हो सकती है, चाहे वो काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे यात्रा हो, आपकी लापरवाही नुकसान करा सकती है, इसलिए पूरा अलर्ट रहिएगा। नौकरी में स्थानांतरण का योग बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। धैर्य रखिएगा, समाधान भी मिल जाएगा। गलत खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। बैंकिंग से जुड़े काम जो भी आप कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करें। भगवान गणेश पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे कुंभ राशि का राशिफल और जानेंगे कि आज उनके लिए क्या शुभ अंक हैं और उनको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए। आपके राशि में शनिदेव हैं और आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु है, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कारोबारी पार्टनर से अनबन हो सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। शंख की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। जानते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं उनका आज कैसा रहेगा भाग्य। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी गुरु चांडाल योग में मेष राशि में स्थित है और आपके व्यय भाव में शनिदेव विराजमान हैं, लेकिन अच्छी बात